अगर उसमें 80 डेसिबल से ऊपर साउंड आता है तो वो एग्जॉस्ट जो है आपका इनलीगल माना जाएगा। अभी ये जो है विद डीबी किलर है ना, बहुत जबरदस्त आवाज है, विदाउट डीबी किलर तो वो वाली हट जाएगी, निकल जाएगी और इसकी जगह लग जाएगा इजाना वाला। So hello everyone, this is me Anil Shishodia and welcome back to the channel guys. I hope you are absolutely fine. So फिलहाल आज निकल रहे हैं अपनी Super Meteor 650 को लेकर, जा रहे हैं सीधा करोलबाग। वहाँ पे कुछ एग्जॉस्ट मैंने देखे हैं, एक कंपनी है गुड़सेवक उसका है, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं कि वो इस पे लगाना लीगल है या इनलीगल। वैसे तो किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन इलीगली है, मगर कुछ एक दायरे हैं जिसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो इलीगल नहीं है, तो वो सारी बातें बताता हूँ मैं आपको सीधा बाइक के ऊपर। तो करोलबाग निकलने से पहले ना एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मगर अभी भी ना सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी कंजूसी हो रही है। नहीं तो यार सच में बताऊं, अगर आप लोग सब जितने लोग देखते हैं अगर उसके 50% भी सब्सक्राइब कर देना, लगभग 83.9% वीडियोस ना इंडिया में देखी जाती हैं। सो प्लीज अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। और लास्ट वीडियो को देखकर बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े भी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जितना लास्ट वीडियो में लाइक्स और सब्सक्राइब किया है मुझे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा है आप लोगों को। तो अब निकलते हैं सीधा GoPro पर, आपको मिलते हैं सीधा बाइक पर। ओके, सो फाइनली आ गए अपनी बाइक पे, निकल रहे हैं। इसमें थोड़ा पेट्रोल भी कम है यार, पेट्रोल भी भरवाना है मुझे तो। पेट्रोल डलवा लिया, शुक्र है भगवान का कि मेरा सही टाइम पे नजर पड़ गया, ऑलमोस्ट पेट्रोल खत्म ही था इसमें। तो खैर अब बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में, यानी कि साइलेंसर के बारे में। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट, अगर आप किसी भी तरह का एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं जिसमें कि आवाज़ जो है उसको मापने का एक तरीका होता है, उसे बोलते हैं डेसिबल। अगर उसमें 80 डेसिबल से ऊपर साउंड आता है तो वो एग्जॉस्ट जो है आपका इनलीगल माना जाएगा, और अगर 80 डेसिबल से नीचे रहती है आवाज़ तो वो आपका लीगल माना जाएगा। और जो शोरूम से जितने भी एग्जॉस्ट लगे हुए आते हैं इसमें, वो तो लीगल ही होते हैं क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन RTO में हो चुका होता है। कंपनी से किसी भी तरह का अगर साइलेंसर लगवाते हैं आप, क्योंकि कुछ कंपनीज ना आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी सेल करती हैं, जैसे रॉयल इनफील्ड वगैरह भी करती हैं, तो वो सब ना RTO में पास होके ही आते हैं, तभी आपको मिलती है बाइक। तो उन सब पर किसी भी तरह का कोई भी चालान वगैरह नहीं है, वो सारे जो एग्जॉस्ट हैं वो पूरी तरह से लीगल हैं। अब कुछ जो एग्जॉस्ट मार्केट में मिलते हैं, तो मार्केट में भी मिलने वाले एग्जॉस्ट का ऐसा होता है कि उसमें एक चीज लगी रहती है जिसे कहते हैं डीबी किलर। और वो डीबी किलर का काम क्या होता है, अगर डीबी किलर लगा हुआ है तो वो एग्जॉस्ट जो है 80 डेसिबल से नीचे आवाज करते हैं, तो वो लीगल माने जाते हैं। और जब आप उस डीबी किलर को निकाल देते हैं एग्जॉस्ट में से, तो वो फिर 80 डेसिबल से बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, लगभग 120, 130, 150 तक आवाज करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग एग्जॉस्ट चेंज ही कराते हैं साउंड के लिए कि खूब ज्यादा साउंड हो, जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है और वो चालान उसे भरना पड़ता है। तो इस वजह से कुछ लोग पूछते हैं कि फिर वो साइलेंसर बिक ही क्यों रहे हैं जब वो इनलीगल है। तो एक्चुअली वो साइलेंसर इनलीगल नहीं है, वो इनलीगल तब बनता है जब आप उसका डीबी किलर निकाल देते हैं और उसकी साउंड को जो है 80 डेसिबल से ऊपर कर देते हैं, उस केस के अंदर वो जो है इनलीगल बन जाता है। अदरवाइज अगर आपका आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है कोई भी कंपनी का, और उसकी आवाज जो है, जैसे कि ये डेसिबल जो है ना, ये क्या चीज़ है ना, ये मेजरिंग टाइप का, मतलब एक मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ को नापने के लिए, जैसे हम फलों को नापते हैं किलो में, है ना, कपड़े को नापते हैं मीटर में, तो ऐसे ही साउंड को नापने का एक पैमाना होता है जिसे बोलते हैं डेसिबल। तो उसमें अगर 80 डेसिबल से ऊपर आपकी आवाज़ जाती है एग्जॉस्ट की बाइक से, तो वो चलान आपको भरना ही पड़ेगा, और चलान लगभग कई जगह पर 1000 से लेके 5000 रुपए तक का भी होता है इसी के ऊपर। एग्जॉस्ट जो है हमारी से जो कंपनी से फिटेड हमें आया है, अगर हम उसको निकलवाते हैं, तो अब जैसे गुड़सेवक जिनके पास जा रहा हूँ, तो उन्होंने जो एग्जॉस्ट का प्राइस बताया है मुझे, करीबन 25,000 रुपीज का है वो एग्जॉस्ट। अब 25,000 का एग्जॉस्ट हम खरीदेंगे और फिर इसमें लगाएंगे, और इसके जो कंपनी से आए उन्हें निकाल के रख देंगे, तो जब 25,000
उनकी वर्थ है तो ऑलमोस्ट 25,000 इनकी भी वर्थ होगी शोरूम में, हो सकता है ज्यादा भी हो। तो ऑलमोस्ट वो जो साइलेंसर है वो तो हमें लगभग 50,000 का पड़ा ना, और उसके बाद भी अगर हम डीबी किलर वगैरह निकाले तो उसके बाद उसका फाइन भी भरे, चलान भी भरे। तो यार देखो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे इनलीगल काम नहीं करता। सो फिलहाल हम आ गए करोलबाग, और अब यहाँ से जाना है ये नाई वाला इस जगह का नाम, और हमें जाना है गली नंबर 35 यानी कि 35 में, वहाँ मिलेंगे हमें गुड़ सेवक ऑटोमोबाइल। आ गए भाई फाइनली। वो बात हुई थी ना आपसे फोन पे सुपर मीटियोर के एग्जॉस्ट के बारे में, मुझे एक बार दिखवा देते। ऑलमोस्ट तो ये बिल्कुल कंपनी जैसा ही है। सो ये है भैया का गुड़ सेवक का एग्जॉस्ट। भैया इसमें तो वजन बहुत ज्यादा है, कितना वेट होगा इसमें? ऑलमोस्ट ये स्टॉक से 3 किलो कम है। तो स्टॉक वाले में इससे भी ज्यादा वजन है। तो इसकी गारंटी या वारंटी कुछ? स्टेनलेस स्टील है भैया, कोई रस्टिंग नहीं आता। रस्टिंग वगैरह की कोई? और अगर आती है तो कुछ ऐसा है कि साल दो साल आती ही नहीं है? प्योर एसएस होगा तो कभी नहीं आएगी, उसी चीज की वारंटी। ओके ओके। और ये इसके साथ डीबी किलर है ना, तो इसको एक बार लगवा के देख लेते हैं यार, इसकी साउंड सुन लेते हैं कैसी है कैसी नहीं है। ये लग रहे हैं फाइनली अपने न्यू वाले गुड़ सेवक एग्जॉस्ट। डिजाइन में तो ऑलमोस्ट 90% मैच कर रहे हैं अपने जो कंपनी फिटेड आ रहे हैं एग्जॉस्ट उनसे। इसके ऊपर भैया जी ये जो प्लेट वगैरह है ये एग्जैक्ट इस पे ऐसे ही लग जाएगी ना? ठीक ठीक। अब एक बार इसका साउंड चेक कर लेते हैं। अभी ये जो है विद डीबी किलर है ना? थोड़े से पटाखे छोड़ रही है बीच बीच में, बट जो लगे हुए हैं कंपनी से उनसे थोड़ा सा आवाज तेज है इसका विद डीबी किलर। ओके, तो अब एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको विदाउट डीबी किलर। इसका जो डीबी किलर रिमूव हो जाता है एक एलएनकी से ही हो जाता है ना? हाँ जी सर, 5 की एलएनकी मिल जाएगी। अच्छा, 5 नंबर की एलएनकी से इसका डीबी किलर रिमूव हो जाएगा है ना? ठीक, दिखाना एक बार इसका डीबी किलर। अच्छा, इसमें साइजेस भी आते हैं ना कुछ छोटे बड़े? हाँ आते हैं भाई, हर सिलेंडर का साइज होता है, हर साइलेंसर का अलग होता है। ठीक, तो अभी इसका डीबी किलर जो है वो रिमूव कर दिया गया, और अब एक बार इसका साउंड सुन लेते हैं विदाउट डीबी किलर। बहुत जबरदस्त आवाज यार, विदाउट डीबी किलर तो धूम धड़ाका मचा रहा है, और विद क्रैकल्स मतलब पटाखे साथ में बज रहे हैं। बहुत जबरदस्त साउंड है, बहुत जबरदस्त। तो आप लोगों ने सुनी लिया इसकी आवाज़ विद डीबी किलर भी और विदाउट डीबी किलर भी, और जैसा कि भैया ने बताया कि विद डीबी किलर इसका जो है आवाज़ जो है वो 80-85 डेसिबल के आसपास जाता है। बट प्राइस के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो भैया जी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप भैया को कॉल करके पूछ सकते हैं। भैया जी जल्दी अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं और उस पर भी आपको ये सारे चीज़ें मिल जाएं। भैया चलान के ऊपर किसी तरह की कोई आपको कन्फर्मेशन नहीं देंगे कि चलान होगा या नहीं होगा, वो अपनी चीज़ का बता सकते हैं आपको कि हमारे साइलेंसर का विद डीबी किलर जो है 80-85 है। सो फिलहाल भैया के पास अभी लगवाना है हमें रेडिएटर ग्रिल, और रेडिएटर ग्रिल के साथ साथ भैया के पास आ गए हैं सुपर मीटियोर 650 के लैग गार्ड भी। वो जो आप बता रहे थे ना मुस्टैक वाला जो है हार्ले डेविडसन टाइप का, ये वही आया या कुछ अलग आया डिजाइन? ये वही वाला सर। वही वाला है। ओके, तो एक तो मुझे रेडिएटर ग्रिल दिखा दीजिए। अच्छा, इसमें ये बताइए जो 650 पे जो लगी हुई है ग्रिल उसको निकालना पड़ेगा और फिर इसको लगाना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये तो लगवा दीजिए मेरा ना, और एक बार ये मुझे दिखा देंगे क्या ब्लैक का खुला हुआ सील पैक होता है ना सर, क्योंकि खोल देते हैं ना तो सेल आउट नहीं होता हमारा। अच्छा, हाँ। ये प्रॉब्लम है। और इसका प्राइस क्या है वैसे? 4200। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में या किस में? एमएस है। अच्छा, और इस पे वही पाउडर कोटिंग होगी? जी। अभी वो क्रोम में तो नहीं आया ना? नहीं सर, क्रोम में नहीं। इसमें से अपनी जो लगी हुई आई है ना कंपनी की तरफ से वो वाली हट जाएगी, निकल जाएगी, और इसकी जगह लग जाएगा ये जाना वाला।
रहे हो यहाँ, इसमें कुछ लग गया ना तो समझ लो गया ये काम से। और अगर ये गया तो बड़ा मोटा खर्चा आएगा। और वो जो भैया जी की ग्रिल है ये वाली, इसमें है डबल प्रोटेक्शन, एक ऊपर वाला लेयर और एक ये नीचे अंदर वाला लेयर। इसकी प्रॉपर फिटिंग, फिटिंग तो प्रॉपर है ना भैया इसकी? ओके, सो लैग गार्ड तो चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्रोम वाला। और भैया के पास क्रोम वाला कुछ दिनों में आने में टाइम लगेगा, वो लगवा लेंगे तब। रेडिएटर ग्रिल लगवाई है, वो लगी है हमारी 2199 रुपए की, और उससे अब अपना रेडिएटर बिल्कुल सेफ हो चुका है 101%। भैया के पास ऑलमोस्ट एसेसरीज लगभग आ गई है 6, है ना, सुपर मीटियोर की। चार तरीके के मिल जाएंगे, लैग गार्ड आ चुका है और ये रेडिएटर ग्रिल वगैरह सब है। ऑलमोस्ट सुपर मीटियोर 650 का सब कुछ लगभग आ गया है। वो सिलेंडर भी कवर भी आ गया क्या आपके पास? सिलेंडर कवर मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर है, सैडल स्टे पे काम चल रहा है, सैडल स्टे पे भी। ओके, साइड स्टैंड गार्ड हो गया, उस पे काम चल रहा है। ओके ओके, सैडल स्टे वगैरह भी बहुत जल्द आ जाएंगे भैया के पास। जैसे ही लॉन्च होंगे, जैसे ही आ जाएंगे भैया के पास, फिर मैं आप लोगों को जरूर वो दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो फिलहाल निकलते हैं, गर्मी बहुत तेज है यार, और अब शाम हो चुकी है, टाइम से निकलेंगे घर पर। तो आपको मिलते हैं सीधा गोप्रो पर। सो फिलहाल निकल रहे हैं, सीधा जा रहे हैं शॉप पर। यार 6 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, आज भी बहुत टाइम हो गया। और एग्जॉस्ट काफी अच्छे थे गुड़ सेवक के, 80-85 डेसिबल की आवाज आती है उसमें, अगर आप विद डीबी किलर उसे चलाते हैं तो किसी भी तरह का चलान वगैरह नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बताई दिया था कि देखने में तो बिल्कुल कंपनी जैसे लगते हैं, फिटेड एकदम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, मैं अभी नहीं लगवा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर कभी लगवा लेंगे क्योंकि काफी कॉस्टली है भाई, सस्ते नहीं है, काफी महंगे हैं और सब चीजें देखनी पड़ती हैं, अभी बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे। तो यहाँ से निकलते हैं, ट्रैफिक दिखाने का कोई फायदा नहीं है, सीधा मिलेंगे आपको शॉप पर। ओके, सो फाइनली आ गए हैं शॉप पर। अपनी एग्जॉस्ट तो मैंने लगवाया नहीं यार क्योंकि पैसे की परेशानी थी, दूसरा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आप एग्जॉस्ट लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, मगर मैं फिर भी सजेशन ये दूंगा आप लोगों को कि अगर आप लगवाएं भी तो उसको विदाउट डीबी किलर ना चलाएं, ताकि आप लोग चलान वगैरह से बच सके। बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसा ठीक लगे। और रही बात रेडिएटर ग्रिल की, तो रेडिएटर ग्रिल को लगाने का अब ये फायदा है कि अब उसमें साइड से भी प्रोटेक्शन हो गई है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अब देखिए इसमें ना साइड से भी प्रोटेक्शन है, हालांकि इसमें पहले भी प्रोटेक्शन थी, सिर्फ फ्रंट से थी, तो साइड से नहीं थी। अब इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल, बाय।